गर्मियों का सीज़न है तो आम से हम कई तरह की डेजर्ट्स और पुडिंग तो बनाते ही हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल लच्छेदार मैंगो रबड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंगो रबड़ी बनाने के लिए हमने एक हेवी बॉटम पैन में 1 लीटर दूध लिया है। रबड़ी बनाने के लिए हम फुल फैट दूध का इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आम लिए हैं और इन आम को छीलकर इस तरह से छोटे पीसीस में काट लिया है। अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर इसकी एक प्यूरी बना लेंगे और मैंगो प्यूरी को हम फ्रीज में रख देंगे। तो हमने दूध को हाई फ्लेम पर उबलने के लिए रख दिया था। इसमें एक उबाल आ चुका है तो अब हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और जैसे ही इसकी मलाई आएगी उसे हमें इस तरह से इसकी दीवारों पर लगाते रहना है। तो मलाई को इसकी दीवारों पर लगाते रहेंगे और इस तरह से चम्मच को बर्तन के तले तक लगाते हुए इसे चला लेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। तो इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकने के लिए रख दिया है और इस पर जो मलाई आ रही है उसे हमें इस तरह से बर्तन के किनारों पर लगाते रहना है और चम्मच को बर्तन के तले तक लगाते हुए इसे चला लेना है। तो इस प्रोसेस को हमें 6 से 8 बार रिपीट करना है। इस तरह से रबड़ी में मलाई के बहुत ही बढ़िया लच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो इसे पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुकी है और आप देखेंगे कि दूध का एक हिस्सा रिड्यूस हो गया है और इसकी किनारों पर काफ़ी सारी मलाई जमा हो गई है। तो इस स्टेज पर ये जो मलाई है इसे हमें इस तरह से खुरच कर दूध में ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो रबड़ी बनाते वक्त हमें हमेशा फुल फैट दूध का ही इस्तेमाल करना है। इससे इसमें काफ़ी सारी मलाई जमा होगी और इसके लच्छे भी बहुत ही बढ़िया बनेंगे और इन लच्छों का रबड़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इस स्टेज पर हमें इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। तो 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर को हमने 1/4 कप दूध में पहले से घोल कर रखा हुआ है। मिल्क पाउडर को हम दूध में घोल कर ऐड करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हमें इसमें चीनी ऐड कर देनी है। तो हमने 3/4 कप यानी कि 1/4 कप चीनी ली है। वज़न के हिसाब से ये 150 ग्राम है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ हमने यहाँ पर 2 ब्रेड की स्लाइस ली है और इन स्लाइस के किनारियों को निकाल कर इसे हमने मिक्सी जार में पीस लिया है। इसे भी हमने इसमें ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिला ली है और चीनी भी इसमें घुल चुकी है और इस स्टेज पर हमें इसमें कस्टर्ड ऐड कर देना है। तो हमने 2 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड को 1/4 कप दूध में घोलकर इसका एक पेस्ट बना लिया है। इसे हमें एक हाथ से ऐड करते जाना है और दूसरे हाथ से चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। और इसी तरह हम इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें एक गाढ़ापन ना आ जाए। तो हमने इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक 5 मिनट के लिए पका लिया है और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद 2 से 3 घंटों के लिए फ्रीज में रख देंगे। तो रबड़ी को हमने रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद फ्रीज में रख दिया था और इसी के साथ हमने जो मैंगो प्यूरी बनाकर रखी थी इसे भी हमने फ्रीज में रख दिया था। ये भी पहले से चील्ड है। इस प्यूरी को हमें इस रबड़ी में ऐड कर देना है। अगर कप के हिसाब से मेज़र करेंगे तो 1 से 1.25 कप जितनी ये प्यूरी है। इसे हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे और अब हमारी रबड़ी सर्व करने के लिए तैयार है। ये देखिए बनी है ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल लच्छेदार मैंगो रबड़ी। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और रेसिपी ट्राई करने के बाद हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करें। मैंगो के इस सीज़न में इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। इसे सर्व करने के बाद हमने गार्निशिंग के लिए इसमें थोड़े से पिस्ता ऐड कर दिए हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।